अध्यक्ष हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन। हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कंपाउंडर्स अवैध काम कर रहे हैं जो कि वैधानिक नहीं है। फार्मेसी काउंसिल की नीति निर्देशानुसार उनका पंजीयन फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए और जो फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन धारक ही दवा वितरण का काम कर सकेगा। क्योंकि अगर वो पंजीयन नहीं करा सकता है या नहीं हो सकता है तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मचारी कहीं भी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो दवा वितरण के लिए अधिकृत नहीं है। दवा वितरण का अधिकृत नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर कोई दवा वितरण करता भी है बिना पंजीयन के तो वो सजा का भागीदार होगा। फार्मेसी एक्ट 1948 सेक्शन 42 के अंतर्गत स्पष्ट है कि जो इस काम को करेगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा उसको 6 माह की सजा, 1 माह का जुर्माना, 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, या दोनों ही का प्रावधान। नहीं तो क्या आप इस शर्त का विरोध कर रहे हैं ना? आपको इस शर्त का विरोध कर रहे हैं कि हमारा पंजीयन किया जाए, पंजीयन कराने के बाद ही हमारा दवा वितरण का काम दिया जाए ताकि हम सजा के भागीदारी ना बने। पूरे प्रदेश की स्थिति बताएं, क्या स्थिति पूरे प्रदेश की? स्थिति में कई जिलों से फोन आया है, वहाँ भी दवा वितरण का काम बंद होगा। आज पहला दिन है और इसके बाद अब धीरे धीरे और भी बंद होने की स्थिति में आएगा। कल से और भी तेजी से ये काम शुरू हो जाएगा कि कोई भी दवा बांटने के लिए अधिकृत नहीं होगा।